हाय गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं लाइक आज सबसे ज़्यादा सिंपल वाले रेडी हुई हूँ ऐसा मान सकते हो। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेडी होती थी बट आज मेरे पास टाइम ही है। ऑलरेडी महाराज आ गए थे बट हमारे लाइक मैं तभी पहुंची घर पे यार 10 मिनट में ऐसे था, मैं फ्रेश नहीं हुई थी तो मैंने बोला कि 12 बजे तक आओ, फिर 12 से 2 का मुहूर्त अच्छा है। तो मैं जस्ट अभी करी और मेरी हाउस हेल्प थी जो झाड़ू पोछा करती है, उनको बोला था थोड़ा आ जाना जल्दी बट वो नहीं आए हैं। तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर रही हूँ और महाराज आएगा तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ। सुगम हृदम सै मंगल आरोग्यमय सूर्य सुखम भवतु सुमहृतमस्तु गजानन धनपति भगवान मे जय कस्तभन देवकी जय कुलदेवी मातकी जय सलगुरु देवकी जय खाद्यमर्घ्यमात्मनीयं स्नानीय जलं समर्पयामि। अस्तु पुण्याहमस्तु कल्याणं घरमृद्यदमायुषमदे स्वस्ति अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। कलश्नि लगाओ। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव, हर मंगलमूर्ति मौर्य गणपति बाप्पा मौर्य। तो ये रहे हमारे गन्नू जी, गणपति जी, जिनकी हमने स्थापना कर ली और पूजा भी कर ली है। सो गाइस, पूजा तो हो गई और ऑलरेडी जो मेरे कुक आई थी उसने ऑलमोस्ट सारी हेल्प करके ही गई है मुझे। बस दाल में मुझे छौंक लगाना है और आलू की सब्जी बनानी है। तो चलो फटाफट हम बना लेते हैं आलू की सब्जी और छौंक लगा लेते हैं, बिकॉज आज जो भी खाना बनेगा प्याज लहसुन बिना का बनेगा। इसलिए पहले तो मैं ले लूँगी घी। सॉरी गाइस, लाइट्स बहुत खराब है, मतलब कि यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा बादल है। ये हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी। गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। खाना वाना तो लाइक हो गया था, मैंने थाली भी धरा दी थी, लेकिन मुझे भी जाना था बाहर मॉम के साथ में कुछ चीज़ें लेने के लिए। बट सुपर डुपर बारिश हो रही है, सुपर डुपर वाली बारिश, शायद वो नो के रुकेगी या नहीं एंड क्या होगा, बट बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनी है रेड कलर की मेरी साड़ी, बिकॉज मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और ऐसे फेस्टिवल का टाइम होता है जब मैं पूरी तरह से मेरे शौक पूरे कर सकती हूँ। तो मैं दोपहर के बाद मेरी अनपैकिंग करनी बाकी थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी और बताया था बहुत बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के रुकी थी बट तब हम गए नहीं। मैंने सोचा कि कल मॉर्निंग में ही सारे काम खत्म कर लूँगी। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ और हम अभी पहले तो आरती करेंगे एंड देन फिर हम रात का डिनर बनाएंगे, थाल मतलब कि जो रात को थाल रहना है वो। तो चलो नीचे जाते हैं, पर उसके पहले मैं हिरण को कॉल कर रही हूँ मैं अपने आप को दिखाने के लिए, तो चलो देखते हैं उसका रिएक्शन। ओह माय गॉड, कितनी मस्त लग रही है। पर तेरा इंटरनेट बहुत लैग कर रहा है यार, इतनी अच्छी लग रही है और इंटरनेट लैग करने का ऐसा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, अमेजिंग। मैं अभी रेडी हूं, तेरे को दिखाती हूं। ये जितने चमकते हुए डायमंड्स हैं वो सारे फीके हैं। मुझे अभी अभी एक सब्सक्राइबर मिली थी, वो बोल रही थी क्या आप यहाँ पे, आप तो गणपति के वक्त अंकिता के वहाँ जाते हैं और वो फिर आपके यहाँ आती है, ऐसा होता है ना। मैं बोला नहीं, पर इस बार नहीं हो पाया। ठीक है, जय गणेश। नीचे आ गई हूँ एंड आरती की सारी तैयारी हो गई है, तो चलो अब हम करेंगे आरती। तो गाइस, आरती हो गई एंड मैं पूरे मेरे विंग में प्रसाद भी देकर आई और अब हम करेंगे एक तरफ चाय का, मेरे पापा को चाय पीने की आदत है हमेशा अभी इवनिंग की और आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, एंड एक तरफ हम बनाएंगे हमारे रात का डिनर। एक तरफ मैंने रबड़ी बनाने रख दी है और एक तरफ मैं बना रही हूँ कड़ी। ये रही मैंने चाय छान ली है, ये मैंने गुजराती कड़ी बनाई है। किसको रेसिपी चाहिए इसकी मुझे प्लीज़ कॉमेंट में बताना, गुजराती कड़ी बहुत फेमस है।
ये है रबड़ी की तैयारी और ये पुलाव के लिए राइस। ऑलरेडी आटा गूंदा हुआ है तो फिर बस लास्ट में हम पूरियां उतार लेंगे। तेरा सारे ड्राई फ्रूट्स, ये वाली रबड़ी है इसमें हम डाल लेंगे और इसको और 10-15 मिनट उबालने देंगे। ये कढ़ी अच्छे से उबल रही है और अब हम बन रहा है काजू किशमिश का पुलाव। अच्छे से घी गर्म हो जाता है ना तो सबसे पहले हम डालेंगे काजू। मैं चावल में से पानी निकाल लेती हूँ। अच्छे से मस्त पिंकिश हो गए मेरे काजू। अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश और ये अच्छे से मेरी किशमिश भी हो गई है। अब मैं डालूंगी राइस। पुलाव पर रॉयल टच के लिए थोड़ा सा केसर। एक उबाल आ गया है और अब हमारे सारे खड़े मसाले। हम बना रहे पकवान के लिए तो पूरी भी हम बनाएंगे घी में। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं सिवाय केक के, कढ़ी और ये सारी चीज़ें। अब चलो हम भगवान को धराते हैं। एक्चुअली दिव्यांग करेगा, भगवान को भोग लगाएगा। अच्छी है कढ़ी तो, खट्टी है थोड़ी। सो गाइस, मैं जस्ट ऊपर आई हूँ एंड जस्ट कपड़े बदल लिए हैं मैंने, बिकॉज अब मुझे नीचे जाना है। मैंने खाना खा लिया था जैसे आपको पता है, तो अब नीचे जाके मुझे बर्तन धोने हैं तो वो काम हम करेंगे। एंड बस थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत नीचे का पोस्ट बाकी ये काम वो करके हम आज जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है। वेरी गुड। और छोटू को क्या कर रहा है दिव्या, उसको दे दर्शन के लिए भेज। सो गाइस, मेरे सारा काम वाम हो गया। मेरे मामा, मेरे भाई आया था, मतलब मेरे मामा का लड़का आया था उनके बच्चों के साथ में, उन लोगों ने भी प्यार से दर्शन किए। एंड ये से सारे सेलिब्रेशन होता है ना, फेस्टिव होता है तो सब गैदरिंग होते हैं, वो बेस्ट पार्ट होता है, उस बहाने लोग मिलते रहते हैं। एंड यस, हम लोग हर साल बापा की तो वेट करते ही है। जैसे बहुत जो लोग सालों से लग ब्लॉग देख रहे हैं मेरे, मतलब जब से मैं बना रही हूँ, तो उन लोगों को पता होगा कि मेरे वहाँ 1.5 दिन के गणपति होते हैं। मतलब कल शाम को गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन होने वाला है, तो आई एम फीलिंग लाइक एक दिन हो गया और शिट कल विसर्जन हो जाएगा, बुरा तो फील हो रहा है। बट जितना भी टाइम है हाँ, उनके साथ अच्छे से रहेगा, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग तो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। एंड मेरे को 22 साल से, मतलब हम लोगों को 22 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, 20-22 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया जब से हम गणपति मतलब बिठा रहे घर पर और उनका आशीर्वाद हम सब पे है। तो यस, चलो अब सोती हूँ मैं प्रेयर वेयर करके, बिकॉज मॉर्निंग में उठना है, पूजा करनी है। एंड कल मेरे वहाँ सत्यनारायण की भी पूजा है। एंड हिरन ये बार भी नहीं आ पाएगा, लास्ट टाइम भी नहीं आ पाया था मेरे वहाँ दर्शन के लिए, एंड ये बार भी नहीं आ पाएगा दर्शन के लिए, बिकॉज मैं भी आज सुबह ही आई हूँ एंड फिर अगेन हमको वापस ट्रैवल करना है। तो यही है, चलो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। आप जाइए और आप तो शायद दिन में दिख रहे हो गए, तो मेरे लिए गुड नाइट, आपके लिए हैव अ गुड डे। एंड वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड यस, अपना प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी।